हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में 65th बीपीएससी फाइनल रिजल्ट, 66th बीपीएससी मेंस रिजल्ट और 67th बीपीएससी में जो सीटें ऐड होने वाली हैं उन तीनों पर आपको बताएंगे। सबसे पहले 65वीं बीपीएससी कि जो अंतिम परिणाम जागरण समूह के अनुसार 5 या 6 अक्टूबर को जारी होना था, अब जागरण समूह ने ही अपडेट दिया है कि अब रिजल्ट 7 अक्टूबर को जारी किया जाएगा, 7 अक्टूबर के इवनिंग में। साथ ही साथ इन्होंने जो रेफरेंस लिया है वो बिहार के परीक्षा नियंत्रक यानी बिहार राज्य लोक सेवा आयोग के परीक्षा नियंत्रक अमरेंद्र कुमार के हवाले से खबर दी है। तो ये तो अपडेट रही 65th बीपीएससी के लिए कि एक दिन और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जब अंतिम समय आता है तो एक एक दिन बहुत लंबा लगता है। दूसरा जो अपडेट है वो 67th में जो सीटें जुड़ने वाली हैं उसके रिगार्डिंग है। मैंने जैसे आपको पहले अवगत कराया था कि एसआर और एफएस यानी कि सब रजिस्ट्रार और फाइनेंस सर्विसेज में कैडर वेस्ट छोड़कर अन्य पद जुड़ने वाले हैं, उनकी संख्या 110 प्लस है। इसके अलावा ये तो न्यूज मैंने पहले ही आपको बता दी है, 139 सीटें पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग अनुमंडल पद स्तर पर ये पद जुड़ने वाले हैं जो कि लेवल 7 के हैं। ये लेटर आप जो देख रहे हैं वो 2 अक्टूबर की है। आप कहेंगे 2 अक्टूबर को तो सर हॉलीडे होता है, लेकिन 2 ही अक्टूबर को ये लेटर जारी किया गया पद सृजन के संबंध में। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं अनुमंडल पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण पदाधिकारी सीधी भर्ती स्नातक योग्यता रखी गई है 139। पहले अभी पोस्ट क्रिएशन के लिए गया है, ठीक है। जब पोस्ट क्रिएट हो जाएगा यानी पद सृजित हो जाएंगे, इसके बाद विभाग के द्वारा ये अधियाचना बीपीएससी को भेजी जाएगी, यानी कि इसमें अभी थोड़ा समय लगेगा। लेकिन हाँ, पूरी उम्मीद है 67th बीपीएससी में ही ये पद ऐड होंगे, क्योंकि बीपीएससी की परीक्षा 9 दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होने वाली है, यानी 2 से 2.5 महीने हैं अभी। और प्रीलिम्स से पहले जितने भी पद सृजित होकर बीपीएससी के पास जाएंगे वो सारे ऐड हो जाएंगे 67th में। तो ये गुड न्यूज़ है। जैसा कि मैं पहले से ही आपको बार बार कहते आ रहा हूँ कि आप पूरी तैयारी करें, सीटें 800 से कम नहीं रहने वाली हैं। जब सीटें 225 से शुरू हुई थी तब आप लोगों ने क्या क्या कहना शुरू कर दिया था, इसके बाद 300 कुछ, इसके बाद 500 समथिंग, इसके बाद फिर 575, और अब पूरी उम्मीद है कि सीटें 800 तक हो जाएंगी। एक खुशखबरी है कि एजुकेशन निकेतन की ऐप भी गूगल प्ले स्टोर पर रजिस्टर हो चुकी है और इस पर 67th बीपीएससी की टेस्ट सीरीज भी एक्टिव हो गई है। इंग्लिश मीडियम की टेस्ट सीरीज 6 तारीख को शाम को एक्टिव हो जाएगी, तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उन्हें 1-2 दिन इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन हिंदी मीडियम में टेस्ट सीरीज अवेलेबल हो गई है। गूगल प्ले स्टोर से जब आप ऐप को डाउनलोड करेंगे तो आप उसके स्टोर सेक्शन में जब जाएंगे तो आपको 67th बीपीएससी का टेस्ट अवेलेबल दिखेगा। इस तरह के कोई कुछ इंटरफेस आएगा, 67th बीपीएससी पीटी टेस्ट सीरीज। इसकी प्राइस आपको 500 दिखेगी, 13 रुपीज़ के अप्रॉक्स नेट हैंडलिंग चार्ज दिखेंगे। किंतु अगर आप जो ऊपर में लिखा हुआ है कूपन कोड अवेलेबल, अगर आप इसे अप्लाई करेंगे तो ये 256 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगी। जितने भी मार्केट में टेस्ट सीरीज हैं आप उससे और इस टेस्ट सीरीज को मिला लेंगे, आस्था जैसे ये प्रीमियर संस्थान है बीपीएससी के लिए उसकी टेस्ट सीरीज 5000 की है। आप पेपर उठा के देखोगे सेक्शनल टेस्ट के नाम पे जो नॉर्मल पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं उसी को कंपाइल करके आपको बीपीएससी के नाम पे ई ऑप्शन जोड़कर दिया जा रहा है, जबकि हमारी टेस्ट सीरीज में 11 टेस्ट हैं मात्र 2256 रुपये में और सारे के सारे फुल टेस्ट हैं। आप परचेज करके, इतनी लो प्राइस है कि आप दूसरे जगह भी रजिस्टर्ड हैं तब भी एडिशनल के रूप में इस टेस्ट सीरीज को खरीद सकते हैं। और जहाँ तक करंट अफेयर्स की बात है तो करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग वीडियोज की सीरीज शुरू हो चुकी है, जनवरी से लेकर सितंबर तक यानी अगस्त तक की अपडेट हो चुकी है। सितंबर की वीडियो कल अवेलेबल हो जाएगी।
इसके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया गया है ऐप का लिंक, तो आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप ऐप के थ्रू मैसेज भी कर सकते हैं। और जो तीसरी न्यूज है जो मैंने अभी आपके साथ साझा नहीं की, वो यह है कि 66th BPSC यानी 66वीं BPSC का जो रिजल्ट है उसमें थोड़ा विलम्ब होगा। ये बैड न्यूज है। और अभी हमने जो सूचना प्राप्त की 66th BPSC के रिगार्डिंग, तो ये सूचना मिली है कि BPSC की जो मुख्य परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन है, टेबुलेशन है, उसमें काफ़ी काम बचे हुए हैं, तो किसी भी स्थिति में अक्टूबर में रिजल्ट नहीं आएगा और न ही नवंबर के फर्स्ट वीक में आएगा। रिजल्ट नवंबर के द्वितीय या उसके बाद ही प्रकाशित होगा। तो ये रहे 65th, 66th, 67th BPSC के रिगार्डिंग अपडेट। और भी कोई अपडेट हमारे पास अवेलेबल होगा तो आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। धन्यवाद।